ग्राफिक डिज़ाइन रिलेटेड वीडियो देखने के लिए साईटेक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो फ्रेंड, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हमने एक आर्टवर्क बनाने के लिए जो है वो सबसे पहले एक साइज़ लिया था और लेयर्स हमने जो है वो ऐड की थी, और इस तरीके से एक बेसिक ओवरव्यू हमने फोटोशॉप का देखा है। तो इस वीडियो के अंदर जो है सेम उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे और हम कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो लेयर के अंदर किस तरीके से यूज़ में आएंगे उस पे काम करेंगे। तो फ्रेंड सेम न्यू लेयर एक बनाएंगे, और तो फ्रेंड यहाँ हम एक नया साइज़ लेंगे और यहाँ मैं जो साइज़ ले रहा हूँ वो विड्थ में 9 इंचज़ है और हाइट में 16 इंचज़ है, और जो रेजोल्यूशन है वो मैं 300 ले रहा हूँ। तो इस तरीके से ये सेटिंग हम रखेंगे। अब मैं ओके करता हूँ तो ये फ्रेंड आप देख पाओगे कि यहाँ हमारा एक जो साइज़ है वो हमें मिल गया है। तो फ्रेंड ऑलरेडी मैंने कुछ इसके अंदर जो है पहले से ही इमेजेस जो हैं वो जो अपने आर्टवर्क में मैं यूज़ करूँगा उसको मैंने सेव करके रखा है। तो यहाँ हमारे पास मोबाइल की ये इमेजेस हैं, प्लस एक लोगो है और एक स्टैम्प है, एक वारंटी स्टैम्प है हमारे पास। तो यहाँ मैं तीनों मोबाइल की जो इमेजेस हैं उनको डायरेक्टली ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ आप देखिए, ये हम सिंपल इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे और यहाँ पर ले जाके छोड़ देंगे। तो इसी तरीके से बाकी जो और दो इमेजेस हैं उनको भी मैं इसी तरीके से ड्रैग करूँगा और यहाँ पर ये बहुत ही आराम से शिफ्ट हो जाएंगी। आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिकली एक नई लेयर जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ हमारी जो बैकग्राउंड के ऊपर आप देख सकते हो कि तीन जो लेयर्स हैं जो कि मोबाइल मैंने अभी सिंपल जो ड्रैग किया है वो हमारे यहाँ पर आ गई हैं। तो अभी मैं इनको क्लोज़ कर देता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ हमारे जो तीन जो इमेजेस हैं वो आ गई हैं। लेयर बनाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, हम सिंपल जैसे ड्रैग करते हैं ऑटोमेटिकली एक नई लेयर जो है वो बन जाती है। तो यहाँ पर जो है वो मैं अलाइनमेंट का यूज़ कर रहा हूँ, और जैसे आपने अलाइन किया तीनों जो हमारी पिक्चर्स हैं वो जो है वो एक साथ जो है एक ही पोजीशन पे आ गई। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो फ्रेंड आगे हम इसको और डिटेल में समझेंगे, ताकि इन तीनों ही लेयर को मैंने सिलेक्ट करके कंट्रोल टी जैसे मैंने प्रेस किया तो आप देखिए इस तरीके से ये जो है वो जो सिलेक्ट हो जाती हैं, और कंट्रोल टी में एक ही बार में हमारी जो तीनों की तीनों हैं वो सिलेक्ट हो गई है। दोबारा मैं इसको कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद इसको थोड़ा सा लेयर वन को ड्रैग कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हो कि ये हमारी रोटेट हो गई है। तो इसी तरीके से जो सेकंड लेयर के ऊपर जो है हमारा, दोबारा मैं यहाँ से और मैं इसको कर्व करूँगा, तो क्योंकि ये एक ही पोजीशन पे हैं तो अब आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो मैं इसको कर्व कर रहा हूँ, ताकि ये तीनों थोड़ा सा मुझे डिफरेंशिएट हो पाए इन तीनों में। तो यहाँ ये जो है वो थोड़ी सी हमें अलग अलग पोजीशन जो है हमें दिखानी है, इसलिए हम इनको जो है कर्व कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा इसको मोड़ रहे हैं। तो फिलहाल जो है ये मैं इसको कर्व कर रहा हूँ। मैंने सबसे पहले इसको तीनों को जो है वो अभी तीनों सिलेक्ट है, तीनों को ही एक एंगल पे रोटेट कर दिया है, और अब सिंपल मैं एक एक लेयर पे इनको थोड़ा सा और बेंड करूँगा, ताकि थोड़ा थोड़ा सा हमें जो दूसरा प्रोडक्ट है, जो दूसरा मोबाइल है वो हमें नज़र आ सके। ये मैंने यहाँ एडजस्ट कर दिया। अब सिंपल लेयर वन के ऊपर मैं आऊँगा। तो आप चाहें तो जो लेयर हैं इनको आप रीनेम भी कर सकते हो। पिछले वीडियो में मैंने इसका जो है वो के बारे में बताया था कि ताकि कन्फ्यूजन ना हो तो आप जो है लेयर को रीनेम भी कर सकते हो, ताकि आराम से आप समझ पाओगे किस लेयर पर कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो फ्रेंड ये देखिए, ये जो एक्सरसाइज है जस्ट फॉर सिर्फ रिवीजन के लिए है, ताकि आपको ये पता चल सके कि हम जो लेयर्स पे काम करते हैं तो वो किस तरीके से, क्योंकि लेयर ही सब बहुत ही एक बेस है फोटोशॉप का। आप लेयर को जितना आराम से समझेंगे बहुत ही इजी है, कई बार लेयर में ही कन्फ्यूजन हो जाती है, तो आप थोड़ा सा जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि लेयर पर किस तरीके से हमारा काम होता है। तो यहाँ हमारे जो हम तीनों मोबाइल को हमने अलग अलग लेयर पे थोड़ा थोड़ा सा हमने इसको बेंड कर दिया है, तीनों को सिलेक्ट करके मैं थोड़ा सा साइज़ को और रिड्यूस कर रहा हूँ। तो ये हमारा अभी रिड्यूस हो गया।
अब यहाँ सिंपल एक बेसिक लोगो है जो कि मैंने PNG के अंदर पहले से सेव करके रखा हुआ है, और मैंने इसको सिंपल यहाँ ड्रैग किया और अपने अकॉर्डिंग किसी भी पोजीशन पे, किसी भी एंगल पे आप इसको मूव कर सकते हो। जैसे मैंने इसको टॉप लेफ्ट पे इसको रखा है, तो यहाँ मुझे ये ठीक लग रहा है। और अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। और एक और हमारे पास इमेज है, इसको मैंने ओपन कर लिया है। और ये जो वारंटी वाली जो स्टैम्प है इस तरीके से जो दिया हुआ है, और ये मैं यहाँ पर बॉटम लेफ्ट में इसको मैं प्लेस कर देता हूँ। ये बहुत ही एक सिंपल सी एक्सरसाइज है जिसमें आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि नंबर ऑफ लेयर्स हमारी कैसे अगर बढ़ रही हैं तो किस तरीके से हमें काम करना है। कोई अगर हमें लेयर को ऊपर शिफ्ट करना है तो आप बहुत ही आराम से ऊपर शिफ्ट कर सकते हो। तो यहाँ ये जो तीन लेयर्स हैं, क्योंकि तीनों ही मोबाइल की लेयर हैं, तो यहाँ मैं क्लिक करके इसको एक ग्रुप बना देता हूँ और इस ग्रुप का नाम रख देता हूँ, क्योंकि हमारे तीनों जो लेयर्स हैं वो हमारी फ़ोन की बेसिकली जो लेयर्स हैं, तो इसी को मैंने एक ग्रुप बना के इसका नाम मैंने मोबाइल रख दिया है। और ये हमारा, क्योंकि ग्रुप बनाने से क्या होता है कि जिस तरीके से हम फोल्डर बनाते हैं, जस्ट लाइक है सेम इसका एक फंडामेंटल है कि अगर नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट, अगर किसी चीज़ पे अगर आपको काम कर रहे हैं बहुत सारी अगर आपकी लेयर्स हैं, तो आप छोटे छोटे ग्रुप बना के उस चीज़ को थोड़ा सा ईजी कर सकते हो। और यहाँ मैं इस फाइल को सेव एज़ अ PSD जो है, जो कि फ़ोटोशॉप का ओरिजिनल जो एक्सटेंशन है उसके अंदर मैं सेव कर लेता हूँ। PSD मीन्स फ़ोटोशॉप डॉक्यूमेंट, यहाँ मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो फ्रेंड ये बहुत ही इजी है, आप कोई भी बेसिक चीज़ को लेके आप काम कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि इस तरीके के मैं और वीडियो ला सकूँ। थैंक यू सो मच।